उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य महकमे की पोल उस समय खुल गई जब जनपद एटा में एक पीड़ित महिला को अस्पताल में दवा नहीं दी गई, जबकि चिकित्सा के नाम पर प्रदेश भर में हर रोज करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। लेकिन जनपद एटा की इस घटना में जमीनी हकीकत सामने आई है। दरअसल सड़क पर लेटी यह महिला डेंगू बुखार से पीड़ित है, मगर सारी रिपोर्ट्स लेकर जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने उसे वहां भर्ती करने से मना कर दिया। डेंगू जैसे गंभीर मर्ज से पीड़ित महिला पर जब दर्द नहीं सहा गया तो असहनीय अवस्था में वह सड़क पर ही लेट गई। पीड़िता के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। हमारी तो बहन दवाई लेने आई थी, अब रिपोर्ट अभी मिली है, बोल रहे कि अब दवाई नहीं मिलेगी। आज किसने बोला? यही तो बोला डॉक्टर लोगों ने। डॉक्टर ने बोला? हाँ। डॉक्टर यहाँ पे कोई है? पता नहीं कौन है, कौन नहीं, डॉक्टर हैं या कंपाउंडर हैं, कोई बता तो नहीं। आपका मरीज अभी जमीन पे लेटा हुआ था, अंदर लेटने की मना कर दिया था। मना कर दिया कि यहाँ नहीं दवाई मिलेगी।